तीन साल मुसलसल महंगाई के खिलाफ, इमरान के खिलाफ। हाँ हाँ, हम लोग बहुत खुश हो गए। ये जो इनका गवर्नमेंट जो चला गया ना इमरान का ना, फिर हम लोग बहुत खुश हो गया कि भाई ये जो आया ना अब लोग, फिर हमारा बात ये जो है ना, आधा काट देता है, आधा शो करता है, आधा फिर छोड़ देता है। हमको अफसोस होता है ना। हाँ, अगर पूरा ये वादा हमारा साथ करो, ये जैसा आपने सवाल साथ वादा है। हाँ, सारा चलाएंगे। ये है, और इसमें मीडिया वाला भी मिला हुआ है। मीडिया जो है ना, उनका तरफदारी भी करता है। आपका पता नहीं है, अल्लाह जाने आप है या नहीं है ना। हमने बोला चलो भाई वो तो नाकाम होगा, ये 11 पार्टी है, 12 है, 15 है, 20 है, जितना भी है ना, हम लोगों को फकीर बनाया। कुछ नहीं मिलता है। ये जो ये 2 साल से जो महंगाई बढ़ गया ना, पहले कुछ न कुछ मिलता था ना, ये 2 साल पहले, अभी कुछ नहीं मिल रहा है ना। सुबह से यार शाम 1-2 बजे तक हम बैठता है ना, ज़्यादा से ज़्यादा 200-250-300 रुपया मिलता है। हाँ, अगर मजदूरी हुए ना तो फिर हम ये खैरात क्या करना है। मजदूरी हुए ना तो ये हराम हम क्या करना है, तो फिर हम लोग मजदूरी करना है भाई। ये बेलचे हमारा साथ है, ये ब्रशे हमारा साथ है, ये गेंती हमारा साथ है, तो हम मजदूरी के लिए निकलता है। ये अभी मजदूरी नहीं है, अभी हम लोग जो है ना रोडों पे बैठता है। उन लोगों को पता है हम अपने पेट के गम में है, उनको अभी पता नहीं है कि लोग काम करवाता है नहीं करवाता है। तो उन लोगों जो काम करता है तो उन लोगों को पता है ना, हम लोग तो अपने पेट के पीछे है। वो उनका पता नहीं, वो तो बड़े बड़े लोगों को पता है ये क्यों नहीं बनता है, ये प्लाना वगैरह वगैरह। हम तो बस ये अटे के पीछे है। अभी कितने मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है? मुश्किलात ये है भाई, वो नहीं है, वो एक मिसाल है। अभी हम लोग जो है ना मौत के मुंह में हम लोग है, मौत के मुंह नहीं है, उसमें अभी हम लोग है, इस हालत पे है। आधा पेट पे अभी हम लोग गुजर कर रहे हैं, आधा पेट पे। सहरी वगैरह करते हैं हम लोग? क्या सहरी करते हैं? हाँ, सहरी करता है भाई। इधर कोई चावल मावल लाता है ना, कोई मसाला वाले कोई चावल लाता है ना, बस उसी से सहरी करता है ना। तो बस वो खाक लोग रोटी भी नहीं लाता है, कोई थोड़ा सा चावल हो ना वो प्लास्टिक में हम लोगों को देता है, बस उसी से सहरी करता है। बस पानी पीता है, चाय भी नहीं मिलता है, उसी से वही आटा लेता है, कोई बस ऐसा चीज़ लेता है कि बस वो आधा पेट पे दिन गुजारे, रात गुजारे। हाँ, अगर पूरा ये वादा हमारा साथ करो, ये जैसा आपने सवाल साथ वादा है। हाँ, सारा चलाएंगे। हाँ ठीक है, ठीक। हाँ हाँ, हकीकत ये है ना, अभी वो जो इमरान आया ना, कितना वादे हमारा साथ किया। हमने इलेक्शन में वोट उसी को दिया, वोट हमने उसी को दे दिया ना। यस, ये इमरान को हमने वोट दिया, उसने हमारा साथ गरीबों के साथ कितना वादे किया। हाँ, आपको भी पता होगा, आप लोग मीडिया वाले हमसे ज़्यादा बाखबर है ना। हम इतना नानपढ़ लोग, मजदूर लोग, हम लोगों को इतना बड़ा धोखा दिया। उसके बाद फिर ये पेडीएम वाला बन गया। पेडीएम जो है ना, हम सियासी नहीं है, सिर्फ इन लोगों का अमाल का जो है ना आपको खबर दे रहा है ना, आपका यादाश्त के लिए ना। तो ये पेडीएम वाले जो ना, उसने भी इतना लॉन्ग मार्च किसके खिलाफ किया, महंगाई के खिलाफ। वो उधर जरदारी का लड़का नहीं है बिलाल, उसने कराची से इस्लामाबाद तक कि मौलाना फजल रहमान फलाना फलाना, ये महंगाई के खिलाफ जो है ना इसने जुलूस। हम लोग खुश हो गया, हमने बोला चलो भाई वो तो नाकाम होगा, ये 11 पार्टी है, 12 है, 15 है, 20 है, जितना भी है ना, एक महीने के अंदर उससे दुगना महंगाई कर दिया। तो हाँ, अभी इनका पता नहीं, वो सन हमको मालूम नहीं, साल हो गया, 1.5 साल हो गया, 8 महीने हो गया, कितना 9 महीने हो गया, जितना भी हो गया ना, वो इतना हम लोगों को बस ऐसा कर दिया ना। अभी इन लोगों को देखो, इनके चेहरे को देखो यार, ये जो हमारे साथ ही बैठे हुए हैं, हमारे चेहरे को देखो, इन चेहरे को देखो, ये इतना खून अभी इनका जिसम में यार एक पाव खून नहीं है। अभी देख ये क्यों नहीं है। हाँ, ये जो है ना, ये खुराक न होने की वजह से इन लोगों का अभी देखे कैसे जवान लोग है ना, ये है वो है ये सारे देख, ये बूढ़ा बाबा देखो, ये भी अभी ये एक ना, ये बूढ़ा बाबा नहीं है ये। हाँ, ये बूढ़ा जो है ना, ये अभी घर में बैठना चाहिए ना, हुकूमत जो है ना इनको वजीफा देना चाहिए, इनको भी भिखारी बनाया। ये जवान है, वो लड़का है देखो, अभी वो बच्चा जो है ना, अभी वो स्कूल सबक जो है ना, उनका तालीम का वक्त, ये भी भीख मांगने, ये मुल्की है, इसी मिट्टी का पैदा हुआ है, ये अभी का नहीं, ये इसका बाप दादा वगैरह हम लोगों अंग्रेज इधर था भी नहीं, हम लोग किधर था। हाँ, अल्लाह ने पता नहीं हमको तमाम तर महंगाई के जिम्मेदार कौन है अभी इस वक्त। जिम्मेवार जो है ना भाई, हम सच बतावे ना, अभी चाहे कुछ हमको गिरफ्तार करे, हाँ,
चाहे हमको जिधर भी लाए, वो पहले अंग्रेज लोग होता था ना, वो काला पानी पे ले जाता था, उनके खिलाफ जो बात करता था काला पानी पे उसको ले जाता था। हमको चाहे काला पानी पे ले जावे, चाहे जिधर भी ले जावे, हम सच नहीं छुपाएगा ना। इसका जिम्मेदार जो है ना सब सियासतदान है, सियासतदान नहीं है, ये ब्यूरोक्रेसी है, ये है, मीडिया वाला भी मिला हुआ है। मीडिया जो है ना उनका तरफदारी भी करता है, आपका पता नहीं है, अल्लाह जाने आप है या नहीं है ना, वो मीडिया वाला भी इनका तरफदार है। और रह गया ये, आपकी बात बिल्कुल ठीक है, आप सियासत को पूरी तरीके से जानते हैं। हमारे चंद मीडिया के साफी इस तरह थे जिन्होंने तरफदारी की, कोई खान साहब की तरफ थे, कोई जो है वो मियाँ ब्रदरान की तरफ थे, तो जाहिर सी बात है गैर जानबदार रहने वाले साफी जो है वो इनमें शामिल नहीं है। अच्छा अच्छा अच्छा, वो हम लोगों को क्या पता है, उनके ऊपर जो है ना इधर लिखा नहीं है, हाँ इधर माथे पे लिखा नहीं है या गले में उसका कार्ड नहीं है कि भाई ये जो है ना सच बोलने वाला है ना, वो उसका दिल का अल्लाह जाने ना। ये जो अक्सर मीडिया वाला ये भी तरफदारी इतना घुस गया ना, जैसा वो जिम्मेवार है फौज ना, फौज जितना जिम्मेवार है खुदा की कसम मीडिया वाला उससे भी बदतर जिम्मेवार है, हाँ उससे ज़्यादा ये, क्योंकि उनको जो है ना उनका अमाल आवाम को नहीं दिखा रहा है, हाँ आवाम को इनका। अभी देखो अभी हम सड़क पे बैठा हुआ है ना, कभी कभी हाँ हम अखबार भी हम कुछ ना कुछ पढ़ना जानता है हम, वो सहाफ़ी लोग नहीं है दानश्वर लोग जो है ना, ये अभी क्या करता है, ये जो है ना आधे जो है ना फौज के साथ है, आधे जो है ना किसी और के साथ है, कुछ उसके साथ है, कुछ और अमाल सब का एक है, सब एक तालीम में कहता है अमाल, कौमी असम्बली में आवाम का कोई खैर नहीं मांगता है, ये जैसे जो करता है ना ये आवाम का खैर मांगता है, जो असली जगह है खैर मांगने का जो है ना और आवाम को कुछ देने के लिए वो असम्बली है, कौमी असम्बली है और यानी आप